For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. My name is Dr. Zafarullah Khan. I am a graduate of King Edward Medical University. I am a fellow of College of Physician and Surgeons Pakistan, as I did my FCPS in dermatology. I have got certification from American Academy of Aesthetic Medicine as well. Currently, I am working as Assistant Professor of Dermatology in Rashid Latif Medical College, Lahore. आज हमारी इस वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है बेसिकली दैट इज़ टू गिव अवेयरनेस रिगार्डिंग पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा फॉर हेयर लॉस। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है क्या? एज द नेम इंडिकेट्स के ये प्लाज्मा है जिसमें प्लेटलेट ज़्यादा होते हैं और प्लाज्मा इज़ पार्ट ऑफ द ब्लड। सो दिस इज़ अ ट्रीटमेंट जिसमें हम बालों के जो हेयर लॉस है सर का, बालों के लॉस का ट्रीटमेंट करते हैं थ्रू इंजेक्टिंग ए पर्सनस ओन प्लाज्मा, अपना आप ही के ब्लड लेके उसके कंटेंट्स को निकाल के उसको सर में इंजेक्ट करते हैं। अब पीआरपी चूंकि बड़ा कॉमन है, ऑल दो इट इज़ अ वेरी बिग टॉपिक, 5-7 मिनट में मैं पूरा तो शायद इसको कवर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बातें मैं समझता हूँ उसको मैं कोशिश करूँगा मैंशन करूँ। आमतौर पर हमारे पास जो पेशेंट आते हैं हेयरफॉल के साथ और पीआरपी ट्रीटमेंट को सीख कर रहे होते हैं, बहुत सारे पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं क्लिनिक पे वॉक इन कि वो ये समझते हैं कि शायद हम पीआरपी का एक सेशन लेंगे और उसके बाद हमारे सर पे बाल ही बाल होंगे, तो ऐसा नहीं होता। बेसिकली यही हम बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि इसके बारे में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो कि पेशेंट को पता होनी चाहिए बिफोर यू ऑप्ट फॉर पीआरपी। पीआरपी इज़ अ वेरी सेफ टेक्निक। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड टॉक अबाउट इट्स सेफ्टी। सेफ्टी इसकी इसलिए ये सेफ है क्योंकि हमने इसमें आप ही का ब्लड लेना है, उसको सेंट्रीफ्यूज करना है और आप ही के अपनी बॉडी के अंदर यानी कि सर में उसको इंजेक्ट करना है। सो गॉड फॉरबिड अगर कोई पेशेंट है सपोज जिसको हेपेटाइटिस सी है, तब भी कोई नुकसान इसलिए नहीं है क्योंकि वो आप ही का जरासीम होगा जिसको हमने आपकी बॉडी में दोबारा इंजेक्ट करना है। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि दिस इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट मेथड रिगार्डिंग एनी इन्फेक्शन जिसको आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकें, क्योंकि इसमें हम किसी और की कोई चीज़ यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात ये होती है कि इसमें हम सर में इंजेक्शंस लगाते हैं थ्रू मॉडिफाइड सिरिंज जो कि पीआरपी उसमें नीडल यूज़ होती है पर्टिकुलरली, या हम उसमें गन यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसिस। यूजली इट इज़ अ प्रोसीजर जो कि हाफ एन आवर इसको लगता है स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सट्रैक्शन ऑफ ब्लड सैंपल अप टू द जिसमें कंप्लीशन ऑफ द प्रोसीजर है। ब्रीफ अगर मैं बताऊँ तो इसमें हम पहले लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, हम नम करते हैं आपके स्कैल्प को, मेन वाइल सेंट्रीफ्यूज करते हैं ब्लड को, उसमें से प्लाज्मा निकालते हैं, कुछ हम उसमें सीरम्स भी ऐड कर देते हैं और फिर हम उसको सर में इंजेक्ट करते हैं। तो यूजली पेनलेस होता है, बाजू का थोड़ी बहुत दर्द हो भी सकती है लेकिन इतनी दर्द जैसे एक नीडल की और उस वक्त रहती है, आमतौर पर यह बाद में नहीं होती। पीआरपी के बारे में लोगों का एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो कंसर्न होता है वो ये होता है कि डॉक्टर साहब इसके चार्जेस भी बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं, तो मैं आपको ब्रीफ बता दूं कि उसमें डिपेंड कर रहा होगा कि आप किट क्या यूज़ कर रहे हैं, आप सेंट्रीफ्यूज कौन सा यूज़ कर रहे हैं, आप उसके अंदर जो नीडल यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी यूज़ कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली उसके जो चार्जेज़ हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा कि लोग ये समझ के बहुत सारे अपने माइंड में ये लेके आते हैं कि शायद हम पीआरपी करेंगे और उसके बाद बाल ही बाल हैं, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जितने भी एस्थेटिक प्रोसीजर हैं उनके 100% रिजल्ट नहीं होते। पीआरपी का मकसद यह है कि हमने आपके हेयर फॉलिकल्स को न्यूट्रिशन देनी है, हमने फैक्टर्स देने हैं ग्रोथ के जो कि वहाँ से बाल को उगाने में हेल्प करेंगे। लेकिन लेट्स सपोज अगर हम मेरे पास एक ऐसा पेशेंट आता है जिसका हेयर फॉलिकल ही डैमेज है और वो मेरे से ये एक्सपेक्ट करे कि आप पीआरपी करके इसमें से बाल निकाल दें, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप समझ सकते हैं कि आप बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं कि एक प्लांट है जिसकी रूट्स तक डैमेज हो चुकी हुई हैं और फिर भी आप चाहते हैं कि कोई फर्टिलाइज़र आप ऐसा दें कि ये प्लांट दोबारा से निकल आए, तो वो इम्पॉसिबल है। हाँ, अगर आपके फॉलिकल्स ठीक हैं तो पीआरपी हैज़ वेरी गुड रिजल्ट्स, लेकिन इट्स नॉट ओनली अ सिंगल सेशन विच इज़ enough for life, इसमें मल्टीपल सेशंस होते हैं, देर इज़ नो फिक्स नंबर ऑफ सेशन, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आमतौर पर हम लोग सेशन रिपीट करते हैं एट एन इंटरवल ऑफ 1 month, यूजली पेशेंट रिस्पॉन्ड करते हैं 3 sessions के बाद बहुत अच्छे तरीके से। अब रिस्पॉन्स को हम किस सेंस में लेते हैं, रिस्पॉन्स से हमारी मुराद ये है कि आपका हेयरफॉल काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है,
आपके एग्जिस्टिंग हेयर का ग्रोथ रेट बहुत अच्छा हो जाता है, उनकी हेल्थ बेहतर हो जाती है, हेयर की शाइन अच्छी हो जाती है। तो ये वो सब विजिबल रिजल्ट्स हैं जो आप पीआरपी के बाद ले सकते हैं। इट इज़ वेरी इफेक्टिव पर्टिकुलरली इन फीमेल्स, लेकिन साइमल्टेनियसली वी हैव टू सी द रीज़न फॉर हेयर फॉल। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, पता चलता है उनका हीमोग्लोबिन लेवल 8 है और वो चाहती हैं कि मैं उनका पीआरपी करूं और सर बालों से भर जाए और बाल गिरना बंद हो जाएं। ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको अंडरलाइंग थायराइड का प्रॉब्लम है, आई हैव ए पेशेंट अभी भी मेरे पास, वो आती हैं फॉलोअप के लिए, उनका TSH इतना ज़्यादा डिस्टर्ब, इतना हाइपर थायरॉयडिज़म का उनको प्रॉब्लम, साथ में हेयर फॉल, तो शी इज़ कंसर्न अबाउट द हेयर फॉल और उनको इसी से नहीं है कंसर्न कि मैं पहले उनका जो थायरॉयड का स्टेटस है उसको ठीक करूं। तो ये चीज़ माइंड में रखें कि यूजुअली हेयर फॉल का कोई ना कोई अंडरलाइंग रीज़न होता है जिसको हमने पहले सॉर्ट आउट करना होता है। अगर आप उसको सॉर्ट आउट नहीं करते हैं, डायरेक्टली पीआरपी करना शुरू कर देते हैं, तो दैट विल नॉट बी दैट इफेक्टिव। तो अंडरलाइंग रीजन को देखें, उसको जरूर ट्रीट करें, साथ में पीआरपी के सेशंस लें, इट इज रियली गुड। आप देखेंगे, मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को कहता हूं कि पीआरपी से कितना फायदा होगा ये एडवांस पेशेंट को देख के बताना मुश्किल होता है। जैसे मैंने बताया कि 100% लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते, और ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं होगा ये काफी कॉन्फिडेंस से हम बताते हैं। उसकी वजह यह है कि हम इसमें कोई ऐसी मैनिपुलेशन नहीं कर रहे हैं जिससे हम कोई साइड इफेक्ट एक्सपेक्ट करें। अगर आपको कोई हेयर फॉल का इशू आप समझते हैं कि है, डेफिनेटली यू नीड टू कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट क्वालिफाइड पर्सन। टेक्नीशियंस कैन नेवर बी एन ऑल्टरनेट फॉर अ क्वालिफाइड पर्सन। बहुत सारे सैलोन्स में भी ये हो रहे होते हैं और पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करते हैं विद मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप ऐसा कोई ट्रीटमेंट सीख करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू नीड टू गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट जो कि वाकई में क्वालिफाइड है, इस फील्ड को समझते हैं, एंड ऑब्वियसली यू हैव बिग प्लेटफॉर्म ऑफ हम, आप कंसल्ट कर सकते हैं मेरे साथ और मेरे बहुत सारे और अवेलेबल कोलीग्स हो के इस फॉरम पे आपको मिल जाएंगे। यू आर मोर देन वेलकम। मे बी यू आर हैविंग फ्यू क्वेरीज इन योर माइंड, डेफिनेटली होंगी, इतने कम टाइम में सारी चीज़ों को मैं एड्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स आई थिंक विच वर वर्थ मैंशनिंग हियर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।